राखी जी छोटू के अलावा भी काफी लोग हैं यहाँ पे, सब लोग वेट कर रहे हैं आपको। छोटू के लिए जूस है, जा जूस ले ले छोटू। अरे ये बहुत फिसलन है, पकड़ ले छोटू पकड़ ना छोटू। मैडम खेल रुको रुको होल्ड मैम थोड़ा मास नहीं उधर जल रहा है। अरे चेक कर रही हूँ पराठे कब निकलेंगे। आलू पराठा था ना, टाइम लगेगा। किस चीज का जूस है मैम? ये डिटॉक्स जूस है करेले का। इससे क्या होता है? मैंने सुना करेले का जूस पीने से इंसान पतला हो। अच्छा पांडे को दे दो तो ले लेगा। तो खुद ही इतना पतला है। जा रहे फोटो चाहिए इसको, जा चल ले 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 मोबाइल से। अच्छा इससे लेना है। अरे ये कौन है? आदमी है। एक मिनट ये अपने फोन से क्यों नहीं ले एक मिनट मैम इधर। अच्छा तुम यहीं से हो क्या? हाँ वो कब से खड़ा है, आपका वेट कर रहा है। राखी जी पतले होने का डाइट तो बताइए। हाँ डाइट क्या बदले होना, क्या क्या पीना है, क्या क्या पीना है? देखो ये करेले का जूस तो मुझे दिया हुआ है ऊपर से। हाँ। इसमें लौकी है, पुदीना है। हाँ। केला है। हाँ। चीकू है। हाँ। पाइनएप्पल है। हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मुझे नहीं पता ये जूस मुझे पतला करेगा कि नहीं, बट सारे फ्रूट डाले हुए इतना मीठा हो जाएगा। हो जाएगा ये टेली मसाला कल जो था वो कल शूट कर रहा था, तू आया तो कौन शूट कर रहा था मुझे? मैं लेट हो गया था। वो एक आंटी को नहीं मैं लेके जा रही थी। हाँ, हाँ। वो किस में आ रहा था? शायद किसी ने किया था, देखता बोलता हूँ। हाँ मुझे वो भेजना पता लगा था। ओके है ना। ओके राखी जी किसी को पतला होना तो क्या करना होगा? अपने मुंह पे कंट्रोल रखो। ये जवाब बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ जिसे को पतला होना है तो अपने मुंह पे कंट्रोल रखो और बस। बट आप क्यों पतले होना चाहती हो? नहीं आप ऐसे ही फिट हो। नहीं नहीं पतला होना है, चाहिए हर इंसान को पतला। राखी जी हीट है, फिट नहीं है, हीट है। हाँ राखी सावंत हमेशा चर्चा में रहती है और वो बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे लोग सब लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो अपने आप को हॉट रखना पड़ता है, अपने आप को हॉट रखना पड़ता है, अपने आप को पतला रखना पड़ता है और इंडस्ट्री में काम करते रहना पड़ता है और समाज सेवा भी करना पड़ता है। हर चीज़ तो मैं करती रहती हूँ और जिम बहुत करना पड़ता है क्योंकि आजकल बहुत कोरोना फैल रहा है। हाँ। मैंने सुना इधर 500 बिल्डिंगें सील कर दी गई। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि 34-36 एज वालों के लिए भी वैक्सीन लगाया जाए क्योंकि मैं मुझे कल ही पता चला सिर्फ 45 एज वालों को ही वैक्सीन देते हैं। तो हम 36 वाले कहाँ जाएंगे? मैं रोज मास्क पहन के घूमती हूँ डर डर के, पता नहीं। आप 36 क्यों? अच्छा क्यों मैं 16 साल की लग रही हूँ क्या? नहीं नहीं तक इतनी अच्छी लग रही हूँ आप। बोलना अगर मैं 16 साल की लग रही हूँ तो बोल मैं लग रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि 37 की हूँ, सॉरी। हाँ जी हाँ जी। बट मैं चाहती हूँ, लगता नहीं है लेकिन ज्यादा लगता है। नहीं कम लगता है। कितना कम? योंग लगते हो आप, अच्छे लगते हो। योंग? ये कहाँ चाइना भूटान से आया क्या? योंग नेपाल से। नेपाल से तू जरूर बुहान से आया है। नहीं नहीं मैं 36-37 हूँ डेफिनेटली। क्यों झूठ बोलने का? ये तो मैं तो और 18 साल की लगती हूँ अगर मैं थोड़ी मोटी नहीं होती तो। बट बहुत सारा पराठे खाए हैं मैंने और अभी बहुत जल्दी मैं मलाइका अरोरा जैसे हॉट वॉट दिखूंगी क्योंकि मैं रोज जिम जाऊंगी। ओके ओके बाय। ऐसा जूस पीते रहो पतले हो जाओगे। पांडे गेट बंद कर।